ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ हॉलो मेटल स्फीयर एंड अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ इक्वल रेडी आर गिवन इक्वल चार्जेस, व्हिच ऑफ द टू विल हैव अ हायर पोटेंशियल। सो आप देखो कि हमारे पास दो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है। दोनों की रेडियस इक्वल है आर, एंड इसकी भी आर है। दोनों को इक्वल चार्ज हम देते हैं क्यू, एंड यहाँ पे भी आपको कितना चार्ज देना है क्यू। सो आप देखो कि क्या होगा कि हॉलो स्फेयर के लिए जो चार्ज क्यू है वो उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सॉलिड स्फेयर के लिए भी जो चार्ज क्यू है वो उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, देन हॉलो स्फेयर का जो पोटेंशियल आएगा दैट इज के क्यू बाय आर, राइट, जो भी चार्ज है उसकी सरफेस पे डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस। सॉलिड स्फेयर के लिए भी जो पोटेंशियल आएगा दैट इज के क्यू बाय आर, क्यू दैट इज द चार्ज, आर दैट इज द रेडियस। अब देखो दोनों के लिए जो चार्ज है वो भी सेम है, जो रेडियस है वो भी सेम है, एंड जो के है वो तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई हायर कोई लोअर पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल फॉर बोथ द स्फेयर्स विल बी सेम। फाइन, कीप वर्किंग एट द स्टॉप लाइन।